स्टूडेंट्स, एक कंसेंटर के स्फेयर के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है यहाँ पे कि दो कंसेंटर के स्फेयर हैं, एक आपके साथ आर रेडियस का है छोटा स्फेयर ये, और ये चार्ज क्यू कैरी करता है। एक बड़ा स्फेयर है जिसका रेडियस डबल 2R और चार्ज 9Q कैरी करता है। तो अगर ये चार्ज कॉन्फिगरेशन, तो पहले आपसे पूछा गया था आपको इनर स्फेयर का पोटेंशियल, आउटर स्फेयर का पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का बताना है इनिशियली जब आपका ये सिस्टम बना हुआ है। अगर मैं S1 को क्लोज करता हूँ, S1 एक ऐसा स्विच है जो इनर और आउटर के बीच में कनेक्टेड है, तो आपको यही पार्ट रिपीट करना है। और अगर आप S1 को क्लोज़ नहीं करते हैं और S1 की जगह आप S2 को क्लोज़ करते हैं, तो यही पार्ट रिपीट करना है। टोटल टेक्निकली 9 क्वांटिटीज़ का डिस्कशन है, वी इनर, वी आउटर, डेल्टा वी इनिशियली जब कोई कनेक्शन नहीं है, एक जब S1 क्लोज, एक S2 क्लोज। ओके, अब अगर मैं इसमें बात करूँ तो इनर स्फेयर का पोटेंशियल पूछा जाए, तो इसमें डिस्कशन में सिंपल सा आती है बात कि ये जो स्फेयर है इसके अपने चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल इसका होना चाहिए। अगर मैं फॉर्मूला याद करूँ स्फेयर के अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आता था, तो आपका आंसर आता था के इंटू चार्ज डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द स्फेयर। ओके, तो आपने देखा ये चार्ज क्यू है, आर रेडियस का स्फेयर है, तो इस पर पोटेंशियल इसका अपने चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर। अगर ये सिंगल एंटिटी होता तो मैं पोटेंशियल इतना ही लिखता, लेकिन इसके सराउंडिंग में एक 9Q का चार्ज और है, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके 9Q के इनर रीजन में आ रहे हैं। 9Q से अगर आप पूछे जाके आप कितना पोटेंशियल देंगे, तो उसका एक ही आंसर होगा, मेरी सरफेस पर जितना चार्ज है मैं उसके अकॉर्डिंग अपने इनर रीजन में जो चार्ज पोटेंशियल दूंगा वो होगा के इंटू चार्ज डिवाइड बाई रेडियस। चार्ज कितना हो गया 9Q, रेडियस कितनी हो गई 2R, तो आपका आंसर हो गया के क्यू बाय आर एंड के क्यू डिवाइड के इंटू 9Q डिवाइड बाई 2R। सेल्फ चार्ज और आउटर की वजह से ये दो लोग ही हैं जो हर जगह पोटेंशियल दे रहे होंगे। तो इनर का पोटेंशियल सिंपली अगर सॉल्व करिए तो 2 से मल्टीप्लाई करिए बेस से, तो आंसर 11 KQ/2R। ठीक, अब अगर आउटर का पोटेंशियल आप निकालना चाहते हैं तो आउटर वाले पॉइंट पे क्यू कुछ पोटेंशियल देगा ये से। अपने इस स्फेयर की अगर बात की जाए तो बाहर वाली दुनिया में ये कभी फील आने ही नहीं देगा कि ये एक स्फेयर है, ये तो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा, ऐसे अपने आप को शो करेगा, और ये पोटेंशियल आउटर रीजन पे उतना ही देगा जो सिंपल पॉइंट चार्ज से आता है। पॉइंट चार्ज कितने का हो गया क्यू का, और आप 2R पर निकालना चाहते हो तो ये कितना पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेगा इन सारे पॉइंट्स पे, तो आंसर सिंपल से KQ/2R। और 9Q अपनी सरफेस पे कितना पोटेंशियल देगा, तो वो ऑलरेडी हमने कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है K9Q/2R आ गया। तो आपको अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेस सेम है, तो आपका आंसर सिंपल सा 10 KQ/2R। इसमें आप देखोगे तो एक चीज़ पाओगे, इनर का पोटेंशियल हायर है, लोअर का बाहर का थोड़ा सा कम है। रीज़न भी सिंपल सा है, क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपके आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, तो आपका इनर हाई पोटेंशियल पे होगा। तो डेल्टा वी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी इनर माइनस वी आउटर। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, डेल्टा वी जो होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो पॉइंट स्फेयर्स के बीच, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑन द आउटर स्फेयर, आउटर सर्फेस या आउटर स्फेयर। रीज़न सिंपल सा है कि जो इनर इस पर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड केल किस पे डिपेंड करेगी, क्यू पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिसाइड करेगी इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ओके, तो इनिशियली वी इनर कितना हुआ, हमने लिखा वी आउटर, अंदर वाला स्फेयर हाई पोटेंशियल पर है और पोटेंशियल डिफरेंस 9Q से इंडिपेंडेंट है। आप ठीक से देखो, 9Q से इंडिपेंडेंट इसलिए भी है कि 9Q का कॉन्ट्रीब्यूशन अंदर वाले पॉइंट्स और अपने पे दोनों पे सेम आ रहा है। तो जैसे अगर वो 10 वोल्ट यहाँ देगा तो 10 यहाँ दे देगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस में ये 10 का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ओके, तो ये मैं तीन पार्ट में क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ, स्विच क्लोज करने का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।